आरंभ श्री संस्था द्वारा आज भोपाल में भाजपा नेता देवेंद्र योगी द्वारा पुतली घर शासकीय हाय स्कूल में काफी पुस्तक का भी वितरण की गई। इस अवसर पर उनके साथ समाज सेवी गिरिराज खंडेलवाल जी, सतीश शाकिर जी, अल्फा संतोष योगी युवा प्रदेश अध्यक्ष गोरखनाथ योगी, समाज संगठन के समाज सेवी उपस्थित थे। इस अवसर पर प्रिंसिपल बिना सिंह उपस्थिति। आप ये कॉफी पेन वितरण कार्यक्रम उत्तर विधानसभा से क्यों शुरू कर रहे हैं? यहाँ पे जितने भी उत्तर विधानसभा में आने वाले जितने भी शासकीय स्कूल हैं, यहाँ पे जरूरतमंद बच्चों के लिए हम यहाँ कॉपी वितरण और पेन वितरण का कार्यक्रम हमने आयोजित किया है। यहाँ जो आरंभ हम कर रहे हैं या आरंभ श्री ऑर्गेनाइज संस्था के माध्यम से हम कर रहे हैं, यहाँ पे जितने भी जो बच्चे जरूरतमंद हैं उनको कॉपी और पेन दे के उनको अपना संस्था से हम बताना चाहते हैं कि बहुत सारी संस्थाओं को यहाँ अवगत कराना चाहते हैं कि भैया सभी जगह जरूरतमंद बच्चे होते हैं, तो आप जितने भी संस्था के जो भी संस्था चल रही है ऑर्गेनाइजेशन और संगठन है जितने भी हैं वह ये ऐसे आयोजन सभी स्कूलों के माध्यम से यह आयोजन वहाँ रखें और जहाँ बच्चों का उत्साह और सम्मान वहाँ बढ़ाएँ, क्योंकि ज़रूरत सभी को पड़ती है, तो इन बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत रहती है, तो हम अपनी ज़रूरत भी इन्हीं बच्चों के माध्यम से आगे हम अपनी ज़रूरत बढ़ाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज आपको कैसा महसूस हो रहा है आपके स्कूल में इस कार्यक्रम का आयोजन? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इससे हमारे बच्चों को हमारे बच्चे मोटिवेट होंगे और ये आरंभ श्री योजना एक बहुत अच्छी पहल है। ये इससे काफ़ी हद तक कुछ गरीब बच्चों को हेल्प मिलेगी और जो कि बहुत सराहनीय है। भाजपा सरकार मध्य प्रदेश में क्या बेटियों के लिए सही पहल कर रही? जी हाँ, सही कह रहा है। कौन सी ऐसी उपलब्धि है भाजपा सरकार जो बेटी के लिए आगे आई? नहीं, बाकी तो अकाउंट वगैरह खोलने का बोलते हैं, बाकी हेल्प भी करते हैं, अच्छा लगता है। क्या सरकार काम कर रही है पूरी बेटियों पे? हाँ कर रही है, बाकी कहीं कहीं लगता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम लगती है। भाजपा सरकार कंफ्यूज कर रही है बेटियों को? हाँ नहीं, करती है ऐसे, अभी भी अकाउंट वगैरह बिल वगैरह माफ़ कर रही है, बहुत सी चीज़ ऐसी हो रही है।